जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ के बिहारी ड्रेसेस। मेरा नाम महक है और आज हम सीखेंगे ठाकुर जी की, ये देखिए प्यारी सी कॉटन की ड्रेस बनाना। ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से इसकी चोली बनाई है और ये मैंने घेरा बनाया है। ये मैंने 4 नंबर ठाकुर जी के लिए बनाई है और इसका घेरा जो मैंने रेडी किया है, ये देखिए 9:30-10 के आसपास आ रहा है। थोड़ा अच्छा लगता है खिला खिला घेरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने प्योर कॉटन फैब्रिक लिया है। नीचे मैंने आरकंडी लगाई है और लेस लगाई है। ये 3 चीज़ों से लगाई हैं। अगर आप आरकंडी नहीं लगाते हैं तो आप कपड़े को डबल करके लगा सकते हैं। आरकंडी से थोड़ी फ्लावट अच्छी आती है। ये देखिए, ये मैंने 4.5 इंच चौड़ी और 42 इंच लंबी पट्टी कट की है। इसमें से मैं 32 इंच ही यूज़ करूँगी, बाकी मैं कट कर दूँगी। और ये देखिए, ऐसे ही मैंने 4.5 इंच की आरकंडी कट की है। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट जैसा कि आपको पता है अंदर की तरफ से सिलाई लगाएंगे, फ्रंट पार्ट और ये आरकंडी का फ्रंट पार्ट, इन दोनों को मिला करके 3 साइड से हम सिलाई लगाएंगे। इस तरफ और एक दूसरा इस तरफ। ऊपर वाला पार्ट हम खुला रखेंगे ताकि हम इसे फोल्ड करके सीधा कर सकें। तो मैं ये सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरफ स्टिच लगा लिया है और अब हम इसे कॉर्नर्स कट करेंगे ताकि हमारे कॉर्नर्स अच्छे से निकलें। और अब इसके बाद हम इसे सीधा कर लेंगे। तो मैं इसे सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे सीधा कर लिया है और अब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। ये देखिए लेस, मैं ये वाली लेस लगा रही हूँ। इसकी मैं 2 लेयर्स लगाऊंगी, एक इधर और एक ऊपर, 2 लेयर्स करके मैं लगाऊंगी ये। तो मैं ये दोनों लेयर्स लगा लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों लेयर्स लगा ली हैं। अब हम यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि मैं हर एक में बताती हूँ आपको। बस एक के ऊपर एक प्लेट रखनी है हमने, और ऊपर से क्योंकि 4 नंबर की है तो ऊपर से हमने इसे 4.5 या फिर 4.25 तक रखना है, उससे ऊपर नहीं रखना है। ये देखिए, बिल्कुल पास पास प्लेट्स डालनी है। इसी तरीके से करते हुए मैं प्लेट्स डाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने प्लेट्स डाली हैं और प्लेट्स डालने के बाद ही हमारा राउंड है वो दिखाई पड़ रहा है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये नेफे के लिए मैंने पट्टी ली है। ये 12 इंच लंबी और 1.5 इंच चौड़ी है। इसे हम नाले की शेप में इस तरीके से करेंगे, ये देखिए, और बीच में हम इसमें ड्रेस डालेंगे। सिलाई को लॉक जरूर करना है, नहीं तो फिर सिलाई निकल जाएगी और फिर एट ए टाइम ड्रेस जो है हमारी पहनाई नहीं जाएगी ठाकुर जी को। ये देखिए, इसके बीच में हम इसे ड्रेस को डालेंगे। बहुत ही अच्छी लग रही है ये ड्रेस प्रिंट के हिसाब से। देखिए कितना प्यारा प्रिंट है इसका। और समर के लिए ऐसे प्यारे प्यारे प्रिंट्स ही हमारे ठाकुर जी को पसंद आते हैं। ऐसे ही मैं एक और बस स्टिच लगा लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये नेफा लगा लिया है। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। देखिए, चोली के लिए मैंने ये 2 पट्टियों पे लेस लगा ली है और अब इन्हें एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए यहां से मैं एक तिरछी सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए, ये पट्टी की लंबाई जो ली थी मैंने, लंबाई चौड़ाई वो दोनों आपको मैंने बताई हुई है। आप जितनी मर्जी चौड़ी रख सकते हैं। फिर इसे यहां से वापस ले लेंगे। और फिर हम इसे ड्रेस पे लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारी चोली रेडी हुई है। अब हम इसे ड्रेस के बीच में लेंगे, ड्रेस का सेंटर करेंगे। ये देखिए, ये हमारी ड्रेस का सेंटर है और इसे इसके यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पर हम एक स्टिच लगाएंगे। ये
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने चोली अटैच कर ली है और अब हम इसके घेरे को भी सिक्योर कर लेंगे। ये देखिए, एक के ऊपर एक को रखेंगे और यहाँ पे हम एक स्टिच लगा देंगे। ये स्टिच मैं इसलिए लगाती हूँ ताकि हमें जब ड्रेस पहनाए तो घेरा सेट ना करना पड़े, वो ऑटोमेटिकली हमारा सेट हो। ये देखिए, तो अब हमारा ये घेरा और ड्रेस जो है वो बंद करके रेडी हो गई है। तो आप भी अपने ठाकुर जी के लिए ऐसी प्यारी प्यारी ड्रेसेस बना सकते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक प्यारी सी कॉटन की ड्रेस के साथ। जय श्री कृष्ण।